that, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging on till it hits. अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली अब सब ठीक होंगे। तो आज मेरा दूसरा दिन है गांव में, तो आज है जुम्मा। तो मुझे मेरे वो दूसरे कपड़े लाया नहीं था, तो मैं टॉप एंड जीन्स आज पहन के जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने। क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुर्ता पजामा पहले पहन लिए थे, तो चलें कोई इशू नहीं होता। तो बाकी आज हमारी दावत है मामू के घर दिन के टाइम लंच में, तो आज मामू बनाएंगे कुछ। तो अभी चलते हैं जुम्मा पढ़ने। अंदर मस्जिद में नहीं दिखाऊंगा आपको, बस अभी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद फिर जब वापस आऊँगा दोबारा वीडियो बनाऊँगा, वीडियो कुछ करना होगा आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं जुम्मा पढ़ने, जुम्मा पढ़ के वापस आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी जुम्मा पढ़ के आया हूँ और मुँह धोया मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो अब नाश्ता नहीं किया, तो मामू कहते हैं नाश्ता छोड़ो, अब दिन का टाइम है, यहीं पर लंच कर लो, क्योंकि उन्होंने दावत दी थी ना, तो भी थोड़ी देर में उधर जाते हैं, तो उधर भी वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बनाया। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बनाया अभी, तो चलें अब चलते हैं उधर। तो मामू ने खाना बनाया तो वो बुला रहे हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ उधर, तो चलते हैं अब उधर खाने की। तो मामू का मैं आख्या देसी मुर्गा खिलान है, बहुत टाइम हो गया नहीं खादा, छह बारी खाने दे। मैंने इन्हें इनवाइट किया, फिर मैंने कहा आप आए तो इधर ही खाना खा लेना। बाकी देसी मुर्गा है। तो अभी खाना खा के हम फ्री हुए हैं और बहुत मज़े का बना था, देसी मुर्गा था। गांव में देसी चीज़ें बहुत फिट लगती हैं। और अब हमारा एक और प्लान है कि हम इन दो फैमिलियों की दावत करेंगे आज। तो आज हम सोच रहे हैं बिरयानी बनाएंगे, चाचे की फैमिली और मामू की फैमिली। तो अभी कज़न को भेजा है भाई के साथ, वो जा रहा है सामान लेने, तो बड़े से देग में बनाएंगे ताकि सबको पूरी हो जाए। तो चलें आपको दिखाऊंगा सारा कुछ साथ साथ जब बनता रहेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी नानी कुरान पढ़ रही हैं। इन्होंने कुरान रखा है बड़े बड़े लफ्ज़ वाला, वर्ड्स वाला, जो इनकी आई थिंक नज़र कमज़ोर है ना, इसलिए तो चलो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता, मैंने कहा चलो पढ़ लेती थी। पिंक टी बनी है, मैं आपको पिंक टी टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसी बनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये रही हमारी, ये क्या है, अच्छा दूध वाली सेमी है, और ये है पिंक टी जिसको कहते हैं कश्मीरी चाय। सो अब हम इधर आए हैं बाहर, फिर से धूप लगवा रहे हैं थोड़ी, और फ्रेश एयर ले रहे हैं, और ग्रीनरी निकली है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, वो बना रहे हैं खाना शाना, मैं आपको दिखाऊंगा सारा कैसे बनता है, क्या चीज़ बना रहे हैं, किस टाइप की बना रहे हैं। लेकिन अभी हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे जूतियाँ उतार के
कहते हैं जूतियाँ उतार के कहते हैं घास के ऊपर जूतियाँ उतार के खड़ा हुआ था, तो सही ठंडा ठंडा मज़ा आ रहा था, घास है तो अभी बस बाहर ही बच्चे खेल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। दो जी तीन जी हैं, एक वो उधर भी है, पंगे करने लगे हैं उस टाइम के ये सारे। तो आप वो देखें गाय खड़ी है, ये पता नहीं किसकी गाय है, वो बकरी छोटी सी, छोटी नहीं बड़ी है लेकिन बकरी किसकी। उसके बाद ये एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये दरख्त है ना, पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन ये जो लगे हुए ना ये छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ये कीड़े लटक रहे हैं, सांप लटक, इनको हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा कीड़े नहीं है ये, देखना वो तो नहीं तो बच्चे इनसे डरते हैं। मैंने कहा जब ये तंग मुझे करते हैं फिर मैं ही उतार के अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ, इनके ऊपर फेंकता हूँ, ये चुप करके आराम से बैठ जाते हैं। उन्हें पता है कि अभी हमें डराएंगे, क्योंकि सुनते नहीं हैं बच्चे, तंग करते हैं तो इसलिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था आज हम देख बनवा रहे हैं, लेकिन देख यहाँ अंदर किचन में बना रहे हैं, सोचा लकड़ियों में बनाएंगे तो कोयलों का टेस्ट होगा, लेकिन अब यहीं अंदर बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत सामान दिखाता हूँ, फिर जब रेडी हो जाएगा फिर आपको दिखाऊँ। ये अंडे उबले पड़े हैं, उसके बाद ये आलू पड़े हैं, इसको फ्राई करना है, ये रहे चावल, और अभी आपको चिकन दिखा, ये देखें इतनी फिट खुशबू आ रही है कसम मेरा। एक्चुअली ये बन रही है बिरयानी, ठीक है बिरयानी, तो इतनी पूरे घर में खुशबू होगी इतनी ज़्यादा कि चस आ रही है सूंघते हुए, और मतलब कि यहाँ पे स्मेल अच्छी होगी और हाँ सोच रहा टेस्ट कितना मज़े का होगा। तो अभी चलते हैं ऐसे ही बाहर घूम के फिरते हैं, तो चलो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचा निज़ाम, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये आलू फ्राई मैंने कर लिए हैं, घंटा हो गया मैं लगाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें चिकन रेडी हो चुका है फुली, और यहाँ पे हम प्याज डाल रहे हैं, प्याज फ्राई कर रहे हैं घी में, उसके बाद ये देखें आलू चावल बन चुके हैं और प्याज क्रंची बन चुका है, और ये क्या है, हाँ अंडे भी हो चुके हैं, और ये मैं साथ इनकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं दावत खाने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इनने मुझे इनवाइट किया था। ये देखो इसको ऐसे ऐसे लाते हैं ताकि चिपके ना, ये देखिए ये अच्छी, तो ये देखें बन चुकी है हमारी बिरयानी और बहुत मज़े की बनी है, तो जैसी खुशबू आ रही थी वैसा टेस्ट है, मज़ा ओए हाँ। आज हम खा के फ्री हो चुके हैं, तो आज थी मेरे चाचा की बर्थडे, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ, तो मैं आपको केक दिखाता हूँ कैसा लेकर।
तो ये केक नज़र आ रहे थे, मज़े के लग रहे हैं, होपफुली खाने में बहुत मज़ा आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट कैसा होता है, दिखा सकता हूँ बता, खिला तो नहीं सकता। तो चलें आप चलते हैं, जब सब बैठे हो जाएंगे फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। लाइट ऑन जो सिम करते हैं बटन प्रेस करते हैं। चाचू आंटी की खिलाओ ना, खिलाओ ना आंटी की, इज्जत नहीं ना, हाथों में खिलाओ फाइनली सर बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप बैकग्राउंड शोर सुन सकते हैं। तो मैं अभी आज की वीडियो फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। तो होपफुली आज आपने इंजॉय किया होगा वीडियो देख के, तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं वीडियो इंशाल्लाह सुबह उठ के बनाऊँगा। तो अल्लाह हाफिज़।